क्यों ना इस महफिल के ज़रिए सुहानी आज की शाम की जाए, पूरी हो ना हो अलग बात पर एक कोशिश नाकाम की जाए। प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी यारो, क्यों ना आज एक गज़ल इस दोस्ती के नाम की जाए। तो आज की ये पोयम दोस्ती पे होने वाली है। ये पोयम सुनने के बाद शायद कुछ लोगों को, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दोस्ती की वैल्यू पता नहीं होती है, मतलब तो मैं भी पहले ऐसा था, आप सुनोगे तो समझ जाओगे। स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इन लोगों को पहचानता ही नहीं था, इनके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं था, ये दोस्ती यारी मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे, मैं इन सब बातों को मानता ही नहीं था। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे को हम अपना यार कहने लगे हैं, मैं उनके दिल में रहता हूँ और वो भी मेरे दिल में रहने लगे हैं। मैं अपने दोस्तों को हंसाने का बहाना नहीं भूलता, आसमानी परिंदा हूँ अपना ठिकाना नहीं भूलता, और जब भी ये ज़िंदगी अकेला छोड़ देती है मुझको, मैं अपने दोस्तों को याद कर मुस्कुराना नहीं भूलता। जो बातें मैं औरों से नहीं कर सकता वो अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलता, और जब भी मैं मिलूं उनसे कई दिनों के बाद, ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ कुछ दोस्त बहुत डिस्टेंस पर रहते, दूर रहते, वो कहीं अलग पढ़ रहा है, मैं कहीं अलग पढ़ रहा हूँ, तो इट डजेंट मीन कि बहुत दिन से मिले नहीं तो हम दोस्त नहीं अच्छे। तो वही है कि जो बातें मैं औरों से नहीं कर सकता वो मैं अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलता, और भले ही मैं मिलूँ उनसे कई दिनों के बाद पर मिलते ही मैं उनको गले लगाना नहीं भूलता। शुक्रिया शुक्रिया। मैं उनकी बातें बड़ी आसानी से मान लेता हूँ, बिना उनके बताए मैं सब कुछ जान लेता हूँ, हमारी दोस्ती कुछ इस कदर गहरी हो चुकी है कि मैं चेहरे देखकर ही उनका दर्द पहचान लेता हूँ, पहचान लेता हूँ उनकी खुशी मैं उनकी मुस्कान देखकर, और मैं भी खुद बेचैन हो जाता हूँ अपने दोस्तों को परेशान देखकर। शुक्रिया। अब ऐ खुदा हमारी दोस्ती में हमेशा ही रवानी हो, रवानी होना की चीज़ में लाइक अनस्टॉपेबल, वो हमेशा चलता रहे। तो ऐ खुदा हमारी दोस्ती में हमेशा ही रवानी हो, हम भले बूढ़े हो जाए पर हमारे रिश्ते में जवानी हो, अगर कोई लिखने बैठे किताब हमारी दोस्ती पर, अगर कोई लिखने बैठे किताब हमारी दोस्ती पर, उसके पन्ने कम पड़ जाए इतनी लंबी हमारी दोस्ती की कहानी हो। बस अब यही चाहता हूँ मैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश मेरे यार रहें, बस अब यही चाहता हूँ मैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश मेरे यार रहें, मेरे घर में सिर्फ दो खिड़कियाँ हों पर मेरे दोस्तों के पास चार पहियों की कार रहे, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ इस ज़िंदगी के नज़ारों को लूटने के लिए, पर एक बात सोचकर दिल डर सा जाता है कि ये रिश्ते तो बनते ही हैं टूटने के लिए। इस रवि के ये शब्द हमेशा के लिए याद कर लेना, लाइक ये उन लोगों के लिए जो ऐसा दोस्ती में बिलीव वगैरह नहीं करते हैं, इस रवि के ये शब्द हमेशा के लिए याद कर लेना, आज तक दोस्ती नहीं की तो आज के बाद कर लेना, कब तक रखोगे खुद को खुद के अंदर कैद कर, कब तक रखोगे खुद को खुद के अंदर कैद कर, एक सच्चा दोस्त बनाना और खुद को आज़ाद कर लेना। न जाने कैसे कुछ लोग दोस्ती की गहराई नापने लगते हैं, मैं जब भी अपने दोस्तों पर लिखने बैठूं, सच बता रहा हूं मेरे हाथ कांपने लगते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना।